BTS News Managing Director Mohammed Taufik. एकदम वनपति का बोर्ड पड़ा मैं, वनपति पढ़ देगी तुम याद आई मेरे को। अमित भाई को बोला जब भी गाड़ी पलटाओ, अमित भाई बोला थोड़ा सादिक से मिलने के जाएंगे कैसा भी अपन सादिक के। ये आपकी एक अमानत थी मेरे पास रखी हुई थी, मैं लेने के बाद से कब तो फिर बाद में नहीं अरे जनाब मोहतरम अमानत तो अमानत ही होती है ना, यहाँ तो क़यामत के दिन अल्लाह करने जाए। देख रखी हूँ अभी मैं यहाँ वनपति डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा। ये हमारे सारे भाई है, ये जवान बच्चे का मसला ऐसा है कि एक एक्सीडेंट में जिस किडनी का प्रॉब्लम हुआ आप बिस्तर पर ही है, बस अल्लाह जैसा भी चल रहा है अल्लाह के बंदे का चल रहा है बस। आप लोग खास करके साजिद के लिए दुआ भी कीजिए। अभी इसी दूर यहाँ पर आने का मकसद ये था कि साजिद को जैसे तीमारदारी हो रहा और फाउंडेशन में कुछ अमानत रखी हुई थी तो वो अमानत में पहुँचा गया। अब वीडियो का मसला ऐसा है बोले तो आप लोगों को अच्छा मालूम, मेरे पास लोगों के पैसे रहते, मेरे खुद के पैसे नहीं रहते, बस मैं एक सिर्फ पोस्टमैन हो जाए वो कुछ भी हो जाओ, अगर मैं यहाँ अगर किसी का एक रुपया रखूँगा बरोज़ क़यामत अल्लाह के पास मेरे को देना पड़ेगा। तो 2000 रुपये अमानत फाउंडेशन के अकाउंट में रखी हुई थी इनकी अलहमदिल्ला। तो हैदराबाद से 150 किलोमीटर है ना ये जी, हैदराबाद से 150 किलोमीटर यहाँ पे है। वैसे तो अपना बैंगलोर गए थे, आप लोगों को अच्छा मालूम है, बैंगलोर से आ रहे थे, अचानक मेरे को याद आया कि एक भाई की अमानत है तो फाउंडेशन की जानब से 2000 रुपये मैं यहाँ पर पहुँचा दिया सादिक। अब बस आप लोग सादिक के लिए खास करके दुआ भी कीजिए, सादिक आप भी बोलिए आवाम को कि आपके लिए दुआ करें। मेरी तकलीफ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, हर रोज़ को इंजेक्शन ना ले रहा हूँ, जो क्या करना कुछ समझने नहीं आ रहा मुझे। जी जी चलो, दुआओं में भी बहुत असर रहता, दुआओं में भी बहुत असर, तो दुआ में ख्याल करो बोलो मैं। जी जी, और इलाज की कमी भी कुछ कमियाँ हो रही मुझे बहुत ज़्यादा। अपील करो, आप अपील करो क्या है बोलो, फिर आपकी तकलीफ खुल के बोलो, आप खुल के फिर हॉस्पिटल बताइए। ऐसा बताए पूरा ऐसा नली डालना पड़ता, पेशाब की नली रहती, सादिक को उठ के करना भी नहीं आता। ये गैसे महीने में डला ले गई पाइप। जी जी जी, 3 महीने का पाइप, तो पाइप छोटा था लेना, 16 नंबर डाले। अच्छा, तो 16 नंबर डाले तो मुझे साइड से यूरिन नहीं आता। जी तो छोटा पाइप डाले से साइड से बहुत यूरिन आ रहा मुझे। जी कपड़े ख़राब हो जा रहे, कुछ पहनने भी आगे पीछे और होंगे। खैर अल्लाह सेहत दे हुए आपकी। मेरे साथ जैसो अब्दुल हमीद साहब जो मसीह फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के मेंबर भी है, आप हैदराबादी फिल्मों में एक एक्टर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपका ट्रैवल का बिजनेस भी है। हमीद भाई खाली टाइम पे सोशल एक्टिविटी भी करते हैं तो गरीबों के साथ हमदर्दी वगैरह। हमीद भाई आप भी कुछ अपने फैंस से वगैरह कुछ बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बस भाइयों की जो है खिदमत करना मेरे को भी अच्छा लगता, ज़रा सुकून मिलता और दिल में खुशी होती है। इंशाल्लाह जो भी हम लोग है जो आगे बढ़िए इंशाल्लाह। देखिए हालात बहुत ख़राब है लोगों के, और कई लोग इतने इतने परेशान हैं जो है, दिलों की परेशानियाँ देखे तो अपने कुछ भी परेशानी मैं समझ में आती है अपने को। जो सरवर भाई जो है बेचारे इतना कर रहे, कम से कम 5-6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ले गए हैं पीछे, और मेरे जो है साथ ही बचपन के दोस्त भी है सरवर भाई, मैं भी 1-2 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह जैसा टाइम मिल रहा है वैसा टाइम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी जो है जितना हो सका उतना करिए, मेरे भाई जितने भी हैं और जो परेशान हैं उनके वास्ते करिए, उनकी दुआ लीजिए। दुनिया सब छोड़ के चले आना है, दुनिया में रहने वाला कुछ नहीं है, बस अच्छा ही बुरा ही साथ में आएंगे, लोग याद करना बस मर गए तो।
لوگ غلیظ تھا بول کے گالی ولی نہیں دینا, بس یاد کرنا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جانا یاد کر کے. آپ ویسا کام کریے پورے لوگ بھائی, جس کے اندر پیسہ ہے وہ لوگ آگے بڑھیے, جو غریب لوگوں کی تعاون کریے, جو ہے ان لوگوں کی مدد کریے, ان لوگوں کی مجبوری سمجھیے بھائی. پلیز بس انجیکشن میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ بس کے 30-35 روپئے آتا خرچ, روز لے رہا ہوں اور صرف برداشت کر رہا ہوں. تکلیف کدھر سے ہوتی ہے آپ کو بتاؤ ذرا, بتاؤ حالت. سیدھے پیر میں بہت زیادہ تھا, پیر کھینچا جاتا, یہ پیر پورا نہیں کہ نیچے سے پورا درد ہوتا. کمر میں جیسا گیس نہیں گئے ہو تو بہت زیادہ درد ہوتا, کمر سے پہلے روز درد. بینگلور بچہ پانچ وقت کا نمازی بھی ہے, میں تو فی الوقت 2000 روپئے کی رقم آپ کو لا کر یہاں پر دیا. بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مزید ان کی مدد کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. میرے کو بھی خوشی تھی صادق سے آ کے ملوں گا. خیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جو چیز پہ ٹائم پہ ہونا رہتا نا, کیسا بھی ہو جاتا ایسا ہوگا کہ میں بنگلور چلے گا, پھر میرے ذہن میں صادق ہمیشہ رہتے. کہیں کو بولے تو ہر 2-4 دن میں انہوں سلام بھیجتے رہتے, سرور بھائی دعا کریے میرے لیے, تو انہوں میرے دماغ میں بھی رہتے. سیٹ ہو جیسا ہو گیا تو بڑا بہتر رہتا. اب ہمارا اتنی دور آنے کا مقصد یہی ہے کہ صادق کی اپڈیٹ دے اور ان کی تیمارداری کرے. جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جو کوئی مسلمان کوئی بیمار کو دیکھنے کے لیے گھر کی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر اس کی مدد ہو جائے تو پھر اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہی تھے. اور اب میسیج فار ہیومینٹی پہ بھروسہ کرے, آپ کا ایک ایک روپیہ حقیقت میں جو مستحق ہے پریشان ہے وہ لوگ تک پہنچے گا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ صادق کو جلد سے جلد صحت دے. ٹھیک ہے.